सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर। भाई आज किस वीडियो के अंदर हम लोग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे अपने फिल्मोरा 9 सॉफ्टवेयर के जरिए। तो स्टार्ट करते वीडियो का, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के वीडियो होने जा रही। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लिरिक्स के बारे में कुछ थोड़ी सी बता देता हूँ बातें कि लिरिक्स आखिर क्या चीज़ होती है और किस तरह से दिखाई देती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर या किसी की शॉर्ट फिल्म देखो, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को या कोई सॉन्ग अगर आप लोग देखो तो वहाँ पर आप लोगों को नीचे उसकी या जो डायलॉग है वो डायलॉग पूरी नीचे लिखा हुआ है। वो किस तरह से बनाया जाता है, वो किस तरह से आखिर बनाया जाता है फिल्मोरा 9 के जरिए, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो को, यार बहुत ज्यादा मजेदार किस्म की वीडियो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले यार आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल भी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि यार आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। अब वीडियो को हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो तो फिल्मोरा 9 ओपन है और यहाँ पर जो आप लोगों ने टाइटल यानी कि जो स्टार्टिंग में जो सॉन्ग सुना वो है बीबी के वॉइस का, जो कि इंतहाई फेमस सॉन्ग है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। अब आज की वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने उसी सॉन्ग के ऊपर एडिटिंग करनी है, ठीक है, उसी सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को काम करना सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ लग सके। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने एक सॉन्ग इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है, जो कि है बीबी की वॉइस का, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया ये वही म्यूजिक है, ठीक है, ये वही सॉन्ग है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सॉन्ग के ऊपर मार्कर्स ऐड करने हैं। मार्कर्स किस तरह से ऐड करने हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पर आप लोग डायलॉग को स्टॉप करना चाहते हो, वहाँ पर आप लोगों ने एक मार्कर लगा देना है। वो किस तरह से लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऑडियो को प्ले करता हूँ तो आप लोग भी सुनना साथ साथ, ठीक है, और मैं जहाँ पर स्टॉप करूँगा वहाँ पर मैं एक मार्कर लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ ऑडियो को, 3 2 1 स्टार्ट। अब यहाँ पर बीबी की वॉइस यानी कि भुवन बाम ने यहाँ पर सफ़र बोला, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक ये आप लोगों को मार्कर का आइकन दिखेगा, ठीक है, आप लोगों ने इस मार्कर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग मार्कर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर एक मार्कर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ब्लू कलर का। अब यहाँ पर जो आगे वाला डायलॉग होगा, ठीक है, वो डायलॉग जब ख़त्म होगा तो आप लोगों ने नेक्स्ट मार्कर वहाँ पर लगा देना है। ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पर कुछ मार्कर्स लगा लिए हैं, ठीक है, जो कि मुझे ठीक लगे, ठीक है, जिस तरह डायलॉग चलता रहा उस तरह मैंने यहाँ पर मार्कर लगाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मार्कर मैंने यहाँ पर नीचे लगाए थे तो ये ऊपर किस तरह से आ गए। तो यार सिंपली अगर आप लोग ऊपर लगाना चाहते हो तो सिंपली इस टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ भी लग जाएंगे। अगर आप ऑडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मार्कर लगाओगे तो ऑडियो के ऊपर आ जाएंगे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, ये काम बहुत ईजी है। अब हम लोगों ने बात करनी कि हम लोगों ने डायलॉग किस तरह से लगाने हैं, ठीक है ना, अब हम लोगों ने किस तरह से लाइक्स करनी है। उसके लिए सिंपली आप लोग पर जाओ टाइटल्स में और जहां से जाओ लोअर थर्ड्स में। लोअर थर्ड से यार आप लोग कोई भी सिंपल सेट पकड़ लो, ठीक है, हमें कोई ज्यादा एडवांस नहीं करना, ठीक है, जो क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी काम आप लोग कर रहे हो आप काम को उस तरह से करो कि वो काम अच्छा और सिंपल देखने में लगे। अगर आप जितनी ज्यादा आप लोग उसको जितनी ज्यादा खिचड़ी पकाओगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का काम बुरा लगेगा। तो आप लोग ने बिल्कुल बेसिक और सिंपल काम करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से बेसिक वाला टाइटल को पकड़ता हूँ और यहाँ पर इसको हम लोग लेयर 2 पे लगा देते हैं। लेयर 1 पे क्यों नहीं लगाया वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और जो भी मेरा डायलॉग है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसकी एडवांस कुछ कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एनिमेशन तैयार कर लेते हैं जो जिसके हिसाब से हमने इसको रखना है। तो पहला यहाँ पर डायलॉग था उसका नाम था सफ़र, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सफ़र रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक फॉन्ट यूज़ किया, ठीक है, उस फॉन्ट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। और तो यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग जहाँ पर भी अपना डायलॉग लगाना चाहते हैं हम लोग वहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग चाहो तो इसके अंदर एनिमेशन भी लगा सकते हो, जो कि मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर देखा है कि लोगों की एनिमेशन भी लगी होती है, तो आप लोग वो भी काम कर सकते हो। यहाँ से आप लोग टाइपराइटर भी लगा सकते हो, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग फेड वाली यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो मैं यहाँ से अरेज वाली भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। अदरवाइज आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसकी एनिमेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, तो ये चीज़, ठीक है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, जितना आप लोग इसको कम करोगे उतनी आपकी एनिमेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जितना हम लोग ज़्यादा करेंगे उतनी ही इसकी एनिमेशन स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी एनिमेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी कि इसकी एनिमेशन फास्ट रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको ओके, ठीक है। आप लोग मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हो जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने मार्कर पे आना है, ठीक है, टाइमलाइन इंडिकेटर को मार्कर पे लाना है और यहाँ से अपने
यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट है इसको हम लोगों ने स्प्लिट कर देना है, स्प्लिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट डायलॉग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोगों ने वहाँ पर अब टेक्स्ट लगा लाना है। तो यहाँ पर बोला कैसा है ये सफ़र, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर कैसा है ये सफ़र आके ख़त्म हुआ, हम लोगों ने वहाँ तक अगला टेक्स्ट लगा लेना है। ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पर जिस तरह हमने मार्कर इसलिए यूज़ किए ताकि आप लोगों को निशानदही रहे, ठीक है, आप लोगों को निशानी रहे कि ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायलॉग ख़त्म होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने लिख लेना है कैसा है ये सफ़र। अब यहाँ पर आगे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको कर दो यहाँ से कॉपी और यहाँ से इस मार्कर के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, आप लोगों का इंडिकेटर आ जाएगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। याद रहे इसको लेयर टू में पेस्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है मंजिलों। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं प्ले करके दिखाऊँ तो आप लोग देखना, अब यहाँ पर वो कहेगा कि ना है कोई खबर, ठीक है। और तो मैंने यहाँ पर सभी जगह पर टेक्स्ट लगा लिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली वो इमेज को यूज़ करना है और लेयर वन पे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर लेयर वन को मैंने इसलिए खाली छोड़ा था ताकि बाद में हम लोग यहाँ पर कोई इमेज लगा सकें। तो मैं यहाँ पर ये वाली इमेज पकड़ता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस इमेज को हम लोग आप लोग चाहो डिफरेंट इमेजेस यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक ही इमेज को यूज़ करूँगा, ठीक है, यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोग देखो मैं यहाँ पर कुछ भी प्ले करूँगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पर डबिंग शो होगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर भी आप लोग अगर चाहो तो इफेक्ट लगा सकते हो, अदरवाइज आई थिंक तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग सिंपली इसको ब्लर कर दो। ब्लर किस तरह से करना है, सिंपली इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ पर आप लोग सर्च कर लो ब्लर, ठीक है। ऑर्डर तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग ब्लर सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्वेयर ब्लर वाली एक ट्रांजिशन आ जाएगी, ठीक है, एक स्क्वेयर ब्लर वाला इफेक्ट आ जाएगा। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस ब्लर वाले इफेक्ट को पकड़ना है और अपने लेयर वन के ऊपर छोड़ना। याद रहे लेयर टू के ऊपर लेके जाओगे तो वो एक अलग सी टाइम लाइन बन जाएगी, एक अलग लेयर बन जाएगी। लेयर वन के ऊपर आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर ये ब्लर हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ब्लर इसलिए किया ताकि इफेक्ट अच्छा लगे। आप लोग चाहो, ठीक है, वैसे जो मैंने देखा है, ठीक है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर ये डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये सभी कुछ आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर नहीं किया क्योंकि मैं अपने काम को सिंपल रखना चाहता था। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ कि आखिर यार हमारी फुटेज देखने में कैसी देखने को लगती है। ऑलरेडी तो हमारी फुटेज यहाँ पर रेंडर हो चुकी है। अब सिंपली हम लोग करते हैं फिल्मोरा 9 को बंद, ठीक है, और अब मैं आपको अपनी फुटेज प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्ले कर लिया, अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देखना ये हमारी फुटेज कैसी देखने को लगती है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर और तो यार आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि यार आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। ये वीडियो मुझसे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने का यार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।